हरे कृष्ण। कहाँ जाए ट्रांसलेशन करेगा? ई डॉट नहीं थी लिटिल बिट। हरे कृष्ण सामने बैठे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णवी सभी के चरण में यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री रूप शिक्षा। कहते श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ये रूप शिक्षा आती है। कहते जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, हमारे प्रभुपाद कहते हैं, एक समय प्रभुपाद ने प्रश्न किया, बोले ये बताओ जगत का सारे ग्रंथ अगर इस जगत से चले जाए, अंतर्ध्यान हो जाए, ऐसे कौन सा ग्रंथ है अगर इसी जगत में रह जाए, केवल एक ही ग्रंथ रह जाए, सारे ग्रंथ का अभाव एक ग्रंथ पूरी करेगा। प्रभुपाद सारे शिष्यों को प्रश्न किया, किसने कहा श्रीमद् भागवत, किसने कहा भगवत गीता, किसने कहा वेद, किसने कहा ब्रह्म सूत्र है, किसने कहा पुराण, सब अलग 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 सब बताए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, कभी ये चैतन्य चरितामृत ये ऐसे के ग्रंथ है, जो एक ग्रंथ ये जगत में रह जाएगी ना, सारे ग्रंथ का अभाव को एक ग्रंथ पूरी कर लेगी। और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वहाँ पर पांच ऐसे विषय हैं जो विशेष विषय है उसमें, जैसे भागवत में पंच प्राण है, रास पंच अध्याय है, जैसे शरीर है, अगर शरीर में प्राण नहीं हो तो शरीर बेकार है, उसी तरह कहते ये चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में भी उसमें पांच सब्जेक्ट हैं जो विशेष सब्जेक्ट है। कहते तो पांच सब्जेक्ट क्या है, मतलब पहला है महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग में जो शिक्षा दिया है, दूसरा है श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दिया है, सनातन शिक्षा है, और तीसरा क्या है, कभी श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, कभी चौथा क्या है, कभी श्री राय रामानंद संवाद, कभी पंचमा क्या है, बोले महाप्रभु को साथ में श्री सार्वभौम को अंदर में जो डिस्कशन हुई, जो विषय है, कहते जो पांच विषय हैं, कहते ये चैतन्य चरितामृत में ही विशेष ये पांच विषय हैं, और उसमें जो एक विषय है वो क्या है, श्रीमन महाप्रभु रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया। इसलिए हम कोशिश करेंगे 10-15 मिनट वो कथा सुनने के लिए महाप्रभु। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे आपको पांच बच्चे हैं, आपकी कोई बढ़िया कोई बिजनेस है, अभी पांच बच्चे में जहाँ पर ट्रेजरी में तुम्हारी रुपया पैसा रखा हुआ है, चल माल खजना बताओ, उसका ट्रेजरी का चार्ज आप सबको क्या दोगे? नहीं, आप उसी बच्चे को आप दोगे जो बच्चा होनहार हो, जो बच्चा शराब पीता है, जुआ खेलता है, दिन भर गंदे संगत में पड़ा रहता है, आप उसको कभी भी चाबी नहीं दोगे। वो बच्चों को चाबी दोगे जो पैसा को बर्बाद नहीं करता, पैसा को संभाल कर रखता है, अगर दो पैसा दो तो उसको 10 पैसा बना देता है, फिर वो चाबी काटी आप उसी बच्चे को आप दोगे।
फिर उसी तरह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने है इसलिए इन्हीं के लिए बताया गया, बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। कहते श्री रूप गोस्वामी है उन्होंने क्या किया, बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम महाप्रभु को जो इच्छा है, महाप्रभु जगत में क्यों आए थे, महाप्रभु जगत में आकर के दुनिया को क्या देना चाहते हैं, महाप्रभु का क्या इच्छा है, कहते उन्हीं इच्छाओं को जगत में जो प्रचार किया है। कहते ये कौन है, श्री रूप गोस्वामी। कहते रूप गोस्वामी कौन है, कहते ये कृष्ण लीला में राधा रानी की एक प्रिय सहचरी जिनका नाम था श्री रूप मंजरी। ये राधा रानी की अत्यंत अत्यंत ये प्रिय एक सखी है, इसलिए इनका नाम है श्री रूप है। श्री रूप, रूप मतलब क्या है, कहते प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे निजान रूपे ततान रूपे सुविलास रूपे। इसलिए इनका जो रूप है वो बहुत सारी कारण से इनका नाम रूप हुआ। कहते रूप मतलब हम कहते भैया देखने में इनके जैसे रूप है, कहते रूप मतलब बोलिए सबका रूप है, महाप्रभु का भी रूप है, कृष्ण का भी रूप है, राधा जी के भी रूप है, ललिता के भी रूप है, विशाखा के भी रूप है, ये सबका रूप श्री श्री रूप गोस्वामी। मतलब सभी की जो भावना, सभी की जो इच्छाओं को जो पूरी करने वाले करिए श्री रूप गोस्वामी, इसलिए श्री महाप्रभु इनका नाम श्री रूप दिए हैं, श्री रूप दिए हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु कहते प्रयाग में हैं 10 दिन तक इनको जो शिक्षा प्रदान किया है उसका नाम हो गया रूप शिक्षा। इसलिए महाप्रभु वहीं पर उनको चाबी काट पकड़वा दिया, बोले देखो लो सारी ट्रेजरी का है मेरी जो प्रेम, ट्रेजरी मतलब किस चीज़ की ट्रेजरी है, धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी नहीं, भक्ति का जो ट्रेजरी है, प्रेम का जो ट्रेजरी है, ये चाबी का ढिलो तेरे को हम पकड़वा देते। इसलिए कहते हैं जम कलि रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुतरी को भारत। अगर श्री रूप गोस्वामी नहीं होते है ना, हैं कहते प्रेम का जो अंदर में जो था उसका जो कपाट था हैं दरवाजा को, अगर ये नहीं होते है ना भैया वो दरवाजा को कौन खोलता, महाप्रभु इनको ही चाबी काटी देंगे हैं तो भी इसको खोलना। इसलिए उन्होंने ब्रज प्रेम की जो महानिधि हैं जो महानिधि संपत्ति उसको अगर किसी ने ताला खोला तो श्री रूप गोस्वामी ने ही ये ताला को खोले हैं, खोले इन्होंने। इसलिए महाप्रभु इनको जो शिक्षा प्रदान किया है उसको कहते हैं रूप शिक्षा। महाप्रभु कहते देख रूप जो भक्ति है ना जिसका कोई आर पार नहीं अथा समुद्र है हैं, इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम भक्ति रसामृत सिंधु है। कहाँ से लिखे, महाप्रभु जो उनको शिक्षा दिए थे उससे ही उन्होंने ये सब चीज़ को लिखे। इसलिए भक्ति कहते हैं कि रस है हैं, ये अमृत है और ये के सिंधु समुद्र है। महाप्रभु बोले भक्ति रस तो एक समुद्र है लेकिन मैं तेरे को उसका एक बूंद तेरे को मैं चखवाऊंगा। उनको तो उनके लिए तो एक बूंद है लेकिन हमारा लिए ना बहुत है। जैसे उदाहरण दिया रसगुल्ला खाए, खाए हो ना रसगुल्ला, जैसे पूरा रस ही रस है। अगर आप जब आप उसको मुंह में रसगुल्ला को डाल दो क्या होगा, अगर इधर उधर से अगर एक आध बूंद अगर रस टपक जाए ना वो चट्टा चट्टी के लिए बहुत है ना। एक आध बूंद अगर निकल जाए हमारी, लेकिन एक बूंद जो चिट्ठी है ना उनके लिए ये बहुत है। उसी तरह महाप्रभु तो कह रहे हैं तुमको भक्ति रस समुद्र का एक बूंद तो चखवाऊंगा,
लेकिन हमारी जैसे चट्टा देखी गई है ना, ये बहुत है, हमारा सब पेट भर जाएगा, बल्कि इतना खा नहीं पाएंगे। इसलिए महाप्रभु उनको बोले, तुमको एक बूंद केवल हम तुमको चखवाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान किया, बोले देख रूप इसी जगत में जैसे ये धूल कणा को नहीं मिल सकते हो हैं, उसी तरह जगत में जीवों को भी तुम गिन नहीं सकते। अब एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी में इतने बैक्टीरिया हैं, इतने बैक्टीरिया ने ये पृथ्वी में इतने इंसान कर दिए। इसलिए इसी जगत में ये जीव कभी तुम गिन नहीं सकते हो। क्या तो उन जीवों में हैं, उन जीवों में कुछ ऐसे है जो स्थलचर है। स्थलचर मतलब होता है जो भूमि के ऊपर रहता है, भूमि के ऊपर में। और कुछ है जलचर है, जो कुछ रहता है पानी को अंदर। कच्चे ऐसे कुछ जीव है जो उभयचर है, वो पानी में भी रहता है और मिट्टी में भी रहता है। कौन कौन है? जैसे सांप को देखना, बैंक को देखना, कछुआ को देखना, मगरमच्छ को देखना, ये पानी में भी रहते हैं और ये मिट्टी को ऊपर रहते हैं, है? और कुछ स्थावर है, कुछ पेड़ पौधा है, है? कुछ पेड़ पौधा है, कहते कुछ तिरजक है। तिरजक मतलब जो आकाश में उड़ते रहते हैं, जितने सारे चिड़िया हैं, है? ऐसे ही जीव अनंत जीव है, अनंत जगत में जीव है। कहते इन्हीं अनंत जीवों को अंदर में ऐसे ही जीव भगवान को भूल करके ये 84 लाख जन्म माया में जीव भटक रहे हैं। इसलिए कहते जल जा नव लक्षण, पानी को अंदर में हमने 9 लाख बार जन्म लिए हैं। कहते स्थावरा लक्ष्य भी सती, मिट्टी गोबर में 20 लाख बार जन्म हुए। कृमया रुद्र संकेतम, जितने कीड़े मकोड़े 11 लाख बार कीड़े मकोड़े जन्म लिए हैं। 33 लक्षणी पशव, 30 लाख जानवर जन्म लिए हैं, हैं 20 लाख चिड़िया जन्म। ऐसे करते 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 4 लक्षणी मानव और 4 लाख ये इंसान का जीवन है। इसलिए जीव को बड़े भाग्य से कहीं ये मानव शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ ग्रंथ खन गावा। कहते बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से कहीं ये मानव शरीर मिलता है, जो शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साधन धा मोमुक्ष कार्य द्वारा, पाई न जे परलो का सवारा। इसलिए कहते ये इसी शरीर को द्वारा ही भगवत भजन होता है और किसी जीवन में प्रभु का भजन नहीं होता है। इसलिए ये मानव सही बोले दे तीस बिनु है तू सही। भगवान कैसे स्नेह करके हमें कृपा करके ये मानव शरीर दे दिया, लेकिन वो मानव शरीर में भी देखना ऐसे कुछ लोग हैं, अभी भी जंगल जानवर में ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी जंगल में नंगे रहते, अभी कोई सभ्यता नहीं है, ऐसे कोई सभ्यता उनके अंदर में नंगे पूरा ही रहते नंगी, और जानवर को मार मुर करके कच्चा कच्चा जानवर को भी अभी खा रहे हैं। ऐसे कुछ जंगली जानवर जैसे अभी भी जीव है जो सभ्यता को अंदर में जो आए नहीं। कहते अभी जो सभ्यता को अंदर में आ गए कहते उसमें ऐसे कुछ लोग है पूरा नास्तिक है, बोले भगवान भगवान हम कुछ नहीं मानते हैं, खाओ पियो और मर जाओ, ऋण करके भी घी पी लो हाँ और मर जाओ, मरने के बाद जब शरीर जल जाएगा कौन देखने के लिए ऋण चुकाने के लिए आएगी, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते ऐसे कुछ नास्तिक लोग हैं। कहते उन लोगों के अंदर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेद को मानते हैं नहीं,
वेद नाम का कोई एक ग्रंथ है जिसको मानते हैं। ऐसे जो वेद को जो मानने वाले व्यक्ति में ऐसे कुछ लोग है, जब लोग मुंह से तो मानते हैं भाई, आप तो मानते हैं वेद को, लेकिन वेद निषिद्ध कर्म करे धर्म नहीं का। मुंह से तो मानते हैं लेकिन करते हैं उल्टा, हा? करते हैं उल्टा, मांस मछली दारू सिगरेट सारे उल्टा पुल्टा चीज खाते हैं पीते हैं। ऐसे कुछ लोग है केवल मुंह से मानते हैं लेकिन अपना जीवन में उसको नहीं उतारते। तो उन जीवों को अंदर में बड़ी जो सौभाग्यवान व्यक्ति है जिनको कर्म में निष्ठा है, सत्कर्म करो, दूसरों को दान दो, हैं दूसरों को दुखी दरिद्र को सेवा करो, इसलिए हैं कुछ अच्छे सत्कर्म करो। ऐसे कुछ व्यक्ति होती है जिसको कर्म में भी निष्ठा होता है, बल्कि ये सब कर्म करने से क्या होगा, बल्कि कर्म करने से स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में अमृत पान करेंगे, बड़े सुंदर सुंदर वहाँ अप्सरी रंभा मेनका सब रहती हैं, हम उनके साथ में ऐसे आनंद लेंगे, हैं? ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये कर्म में बड़े रुचि रखते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों कर्मियों को अंदर में कोई एक व्यक्ति होते हैं, एक ज्ञानी होता है, हैं? ज्ञानी मतलब क्या है, कहते जो व्यक्ति ये जन्म मृत्यु का चक्कर से हैं निकल करके चिरकाल के लिए वो ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को लीन करना चाहते हैं। इसलिए बोले न रहेगा बाँस अन्न वैद्य बाँस होगी, ये जगत में आएंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए क्या करो बाँस दुनिया से चले जाओ और वो ब्रह्म ज्योति में अपने आप उसमें लीन कर दो, हैं बड़े ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचन्ति न काकन्ति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। इसलिए ऐसे कुछ होते हैं जिनको ज्ञान में निष्ठा है, लेकिन ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसलिए ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों के अंदर में मुक्ताना सिद्धाना नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि स्वपि महामुनि। ऐसे जो करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में मुक्तों में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो भगवान की भक्ति में आते हैं और भगवान नारायण कृष्ण राम को भक्ति करते हैं, बड़ी विरल व्यक्ति है। जैसे आप लोग हैं बड़े विरल व्यक्ति ये होते हैं जिनको भगवान के प्रेम में भगवान की भक्ति में भगवान की हैं भजन में जिनको रुचि होता है। तब महाप्रभु कहते हैं, एक महाप्रभु सुंदर एक प्यार बताए, इसको याद कर लेंगे। वो प्यार है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। ये दो लाइन को याद कर लेना। जब प्रभुपाद कहीं कथा सुनाया करते थे, अगर केवल ये दो लाइन को आप केवल याद कर लिया, आप किसी को भी भगवान की कथा सुना सकते। जब जब कहीं प्रभुपाद कथा सुनाए, बस केवल इसी दो लाइन को व्याख्या करते थे, हैं? ये दो लाइन को व्याख्या करते थे, बोले इसका मतलब किया, बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी। हम अनादिकाल से भगवान को भूल चुके, इसलिए भूले कैसे, हमारे मथुरा में हमारे जो बड़े गुरु जी, एक सुंदर उन्होंने फटोक बनाए, एक घनाघोर जंगल है एक तरफ में, हैं, और एक तरफ में प्रकाश प्रकाश और एक तरफ में अंधकार, उसको बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, हैं, व्यक्ति खड़ा हुआ, जिधर अंधकार केवल अंधकार अंधकार, उधर दिखा रहे घोर जंगल है और बड़े भयंकर जानवर, शेर चीता भालू सर्प, हैं, भयंकर भूत पिशाच, और उधर एक माया खड़ी हुई। दूसरे तरफ में दिखाया पूरा प्रकाश प्रकाश,
और पूरा एक रास्ता सीधा गया गोलोक वृंदावन भगवान के पास में। उस तरफ में एक साधु खड़ा हुआ और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जिधर माया है वो माया बुला रही, तू इधर आ जा, देख हम कितने बढ़िया है, कितने सुंदर है, तुम इधर आ जा। लेकिन जिधर साधु खड़ा हुआ बोले खबरदार, देख रहे हो ना उधर कैसे घना घोर अंधकार, शेर चीता भालू सीधा खा जाएंगे भूत पिशाच सब के सब, उधर जाओगे तो है, इधर आओगे देख प्रकाश प्रकाश है, सीधा लाइन लिया गोलोक वृंदावन। अगर तू इधर आओगे तो सीधा गोलोक वृंदावन जाओगे। वो कभी इधर देखता है तो माया बुला के बोले इधर आ जा, जो इधर देखता है साधु बुलाते तो बोले इधर आ जा, देख रहे ना पूरा प्रकाश प्रकाश। अभी वो सोच में पड़ जाता है किधर जाऊँ ना इधर जाऊँ, लेकिन लास्ट में ना हम जैसे व्यक्ति दुर्भाग्य व्यक्ति क्या किया, वो माया में ही छलांग लगा, वो देखा प्रकाश प्रकाश जीता भगवान के पास में, वो उधर नहीं जाता है, वो जाता है इधर ही छलांग लगाता है। प्रश्न है वो देख रहा है दुनिया में दुख कष्ट है, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, बेटा से दुखी, बहू से दुखी, कोई सब पैसा से दुखी, पड़ोसी से दुखी, काम से दुखी दुखी, फिर छलांग क्यों लगाता है, देखता है ये तो दुख ही दुखी है, फिर इसमें छलांग क्यों लगाता है, फिर भगवान के तरफ में ये क्यों नहीं जाता है। इसका कारण बताए तो जो जीव है बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटा है, इसलिए इसमें बताए बालाग्र शतभाग सतत कल्पित सस्य, बोले जीव कितना बड़ा है, यदि जो बाल का अग्रभाग को अग्रभाग है उसको अगर सौ भाग कर दोगे ना, बाल का अग्रभाग कितना छोटी सी होगा, उसको अगर सौ भाग कर दोगे, सौ भाग का एक भाग को अगर और सौ भाग कर दोगे ना, वो जितना छोटा होता है ये जीव उतना छोटा है, नहीं तो इतने ग्लास में करोड़ों करोड़ों जीव उसके अंदर कैसे आता है, है? इसलिए ये जीव क्षुद्र होने के नाते और माया की जो शक्ति है वो ज्यादा होती है, वो आसानी से जीव को दबच लेती है, आसानी से जब दबच लेती है वो जान बुझ करके भी तब भी उसमें छलांग उधर लगाएगा, है? इसलिए जब छलांग लगाया भगवान ने कहा तुम मेरा सेवा नहीं करोगे, तुम मेरे संतान हो और मेरे को भूल करके तुम माया की सेवा करोगे, ठीक अभी तेरे को मजा चखाता है, माया तरफ में जाओगे ना, फिर उसको भगवान क्या किया उनकी जो बहिरंगा शक्ति माया उसको दो कपड़ा पहना दिया, एक तो कपड़ा पहना दिया ऊपर का ये जो दिख रहा है शरीर, ये एक कपड़े पहना दिया और एक कपड़ा पहना दिया अंदर का, ये शरीर खिपी जल पाप गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, ये अधम शरीर है मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश, ये एक शरीर पहना दिया है, इसको आवरण आत्मिका कहते हैं, और एक शरीर उसको पहना दिया जो सूक्ष्म शरीर, इसको मन बुद्धि अहंकार और चित्त कहते हैं, हाँ इसको विक्षेप आत्मा मतलब ये शरीर से ढक दिया और दूसरे शरीर से ऐसे फेंका, उसको ऐसे फेंका संपूर्ण ये जीव संसार में आकर के संपूर्ण भगवान भूल गया। अगर हम आपको पूछेंगे आपका नाम क्या, बोलेगा अरे हमारा नाम ये है, हमारी ये बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी पति है, ये मकान है, ये दुकान है, हैं दुकान है, इसलिए उदाहरण दिया पिशाच पाइले जन्म मति छर्ण है माया ग्रस्त जीव है सेवा बोध, मतलब है जब किसको भूत पकड़ लेना, देखते भी भूत पकड़े हुए किसको हमने बहुत देखा है, जब इसको भूत पकड़ लेता है ना वो आदमी असली परिचय को भूल जाता है, वो भूल जाता है, वो नहीं बोलेगा मेरा नाम ये, वो क्या किसका परिचय देगा, वो भूत का परिचय देगा, मैं अमुक स्थान में था, वो जा रहा था केस खोल करके है इसलिए मैंने पकड़ लिया, मैं ऐसे मरा था, मेरी पति का नाम ये था, वो सारे भूत का परिचय दिया। उसी तरह हम भी अभी हमें भी ये भूत ने पकड़ लिया है, हैं भूत ने पकड़ लिया, पकड़ लिया तो हम अभी अपना असली परिचय नहीं दे रहे, जो जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान की जो नित्य सेवक है
अभी इसका परिचय हम नहीं दे रहे हैं, नहीं दे कर अमुक का पिता में, अमुक का बाबा, अमुक का चाचा, अमुक का चाची, अमुक की मैया, अमुक की बीवी, बस। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं, ये झूठा परिचय है, ये हमारी झूठे परिचय है। अभी हमको भूत पकड़ लिया है, वो जब भूत पकड़ लिया हमको, असली परिचय नहीं दे रहे हैं। हम भगवान की नित्य सेवक है, हम अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत का पुत्र है, भगवान की संतान, ये परिचय हम नहीं, अपने आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताए, अभी वो जीव भगवान को भूल करके इस संसार में आया, कभी राजा बनता है, कभी प्रजा बनता है, कभी सुखी बनता है, कभी दुखी बनता है, कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, हैं, कभी कीड़े मकोड़े बनता है, कभी जानवर बनता है, पता नहीं कितने कितने चोला धारण करता है। कि जीव जिस चोले में जाता है ना, उसी का ही परिचय देता है। बाघ बन जाए तो बोले बाघ, शेर बन जाए तो शेर, जानवर बन जाए तो बैल बन जाए तो बैल, कुत्ते बन जाए तो कुत्ते। पता नहीं कितना हम ड्रेस को पहन रहे हैं, कितने ड्रेस को हम पहन रहे हैं। इसलिए बोले ब्रह्मांड भ्रमित, ऐसे ही हम ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। बोले कौन भाग्यवान जीव, ऐसे भ्रमण करते 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 कौन भाग्यवान, कोई विशेष सौभाग्यवान, उसको क्या होता है। बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो गुरु और कृष्ण का कृपा से भक्ति रूपी लता का उसको बीज प्राप्त होता है। बोले भैया कौन, कुछ व्यक्ति है कौन जिसको जीवन में शुद्ध वैष्णव साधु का संग मिलता है, वो कौन है। बोले वो व्यक्ति जिनको पूर्व पूर्व जन्म में जिन्होंने भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्जन किया है। कहते तो भैया वो क्या चीज होता है, ये भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या चीज है। बोले तीन चीज है, चीज को समझो, कितना चीज है, तीन है, एक पाप है, एक पुण्य है और एक सुकृति है। कहते पाप किसको कहते हैं, बोले वेद विरुद्ध धर्म पाप, दूसरों को कष्ट देना, पराई स्त्रियों को ले जाना, शराब पीना है, मांस खाना, जुआ खेलना है, अंडा खाना, मां, ये जितने सारे वस्तु है, कहते ये पाप है। बोले इसका फल क्या है, बोले नरक है। बोले नरक में कब तक रहोगे, बोले जब तक तुम्हारी पाप नष्ट नहीं हो जाए, फिर क्या होगा, फिर यही आओगे। बोले पुण्य क्या है, जैसे दूसरों को भलाई करना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोल देना, गरीबी दुखी दरिद्रों की सेवा करना है, कहते इसको कहते हैं पुण्य है। बोले पुण्य का फल क्या, बोले स्वर्ग जाओगे। बोले कब तक स्वर्ग में रहोगे, बोले ताबत संबोधित स्वर्गे जाबत पुण्यम न समाप्ते, तब तक स्वर्ग में रहोगे जब तक तुम्हारी पुण्य समाप्त नहीं हो जाता है। किन्न पुण्यम मर्त्यलोकम विसरन्ति, पुण्य समाप्त होते ही धक्का मार करके तुम्हें फिर इसी जगत में फिर यहीं पर फेंकते हैं, फिर यही आना पड़ेगा। पाप को बाद में भी यही आओगे, पुण्य को बाद में भी यही आओगे, फिर भटकते। हाँ, कहती ये दो चीज समाप्त हो जाते। बोले क्यों, कहती ये दो चीज, ये शरीर संबंधी, ये शरीर संबंध, पाप भी शरीर संबंधी, पुण्य भी शरीर संबंधी। जैसे शरीर नष्ट हो जाता है, उसी तरह पुण्य भी नष्ट हो जाता है। लेकिन तीसरी चीज है जिसको कहते हैं सुकृति, बोले वो क्या चीज होता है, तब ये आत्मा संबंधी होता है, ये आत्मा संबंधी है, वो शरीर संबंधी वस्तु नहीं, वो आत्मा संबंधी वस्तु है। जैसे आत्मा नित्य शाश्वत अजर अमर, न जायते न मृियते, जन्म नहीं मरती नहीं, शाश्वत है, तो वो आत्मा संबंधी वस्तु होने का ना, तो वस्तु नित्य वस्तु है, तो वो क्या चीज है। जैसे आप कथा सुन रहे कि आत्मा की खुराक, जैसे भगवान भोग लगाकर प्रसाद प्राप्त हो, आत्मा संबंधी है। जैसे ठाकुर जी को हरिनाम जप करते हो, ये आत्मा संबंधी। कुछ चीज साधु संतों को, भक्तों को कोई वस्तु प्रदान कर दिया, ये आत्मा संबंधी।
हैं, जैसे धाम में गए दर्शन किया, फिर ये आत्मा संबंध में है, इसलिए भगवान के आत्म दर्शन किया, तुलसी परिक्रम किया, एक प्रसाद दे रहे थे, अनजान में तुमने प्रसाद खा लिया, तुमने पता है कि ये प्रसाद है, ये अंदर अंदर में ये सुकृति इकट्ठे होते जा रही है, ये सुकृति इकट्ठे होती जा रही है। ऐसे बोले कौन, मतलब जिनको पूर्व पूर्व जन्म में सुकृति अर्जन किए हैं, सुकृति भगवत संबंधी वस्तु का अर्जन किए, इसलिए बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन कौन व्यक्ति कौन, बोले पूर्व जन्म में जिनके इकट्ठे सुकृति हुए हैं। एक उदाहरण दिए, बोले कोई एक माता जी थी, वो बड़ी कंजूसी, उसका हाथ से एक पैसा भी नहीं निकलती। एक साधु गांव में रोज भिक्षा करने आता था, वो भिक्षा जब मांगता था, वो जो माता जी थे ना गाली देते थे, बोले दारी के कोई शर्म नहीं, भीख मांगने के लिए आगे गाली देते थे। एक दिन पहले घर में गोबर मिट्टी से घर पोता लगा कर करते थे ना, वो मिट्टी से पोता लगाया कर रही थी सवेरे, इतने में साधु बाबा सवेरे भिक्षा लेने के लिए आ गए, बोले माता जी थोड़ा भिक्षा दो, बोले दारी के सवेरे आ गए मुंह दिखाने के लिए, हैं भिक्षा लोगे ले, वो जो कपड़ा था ना गोबर और मिट्टी से पोता हुआ, मार फेंक करके हमने देखा, अभी तक तो कुछ दे ही नहीं रहे, कम से कम आज तो कुछ दे दिया। अभी उन्होंने इसको लेकर के गए, पानी में मल करके धोए, धूप में सुखवाया और उसको बत्ती बनाई, घी में भिगवाए और शाम को ठाकुर जी का आरती करे, जय जय राधा कृष्ण लहना आरती कराए ललिता जी सखी मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सखी पूछो चूड़ा मनो ललिता माधव बामे विषभानु कन्या नीला वसन गौरी रूपे गुण धाना नाना विध अलंकार करे जल माल हरि मन विमोहन बदन उज्ज्वल विशाखा दी सखी गण नाना रगे प्रिय नर्म सखी जत चामर दुलाय श्री राधा माधव पद सरसि जयासे भक्ति विनोद सखी पद सुखे। जब उन्होंने आरती उतार रहे थे, लेकिन वस्तु किसकी, माता जी की, वो किसकी सेवा में लग गया, ठाकुर जी की सेवा में। देखो इसको कहते हैं सुकृति, जब ठाकुर को सेवा में लग गया ना, इसके हृदय अपने आप बदल गया, बोले हाय रे साधु बाबा कितने दयालु कृपालु, कुछ वस्तु हमसे लेकर के ठाकुर का सेवा में लगाना चाहते थे, लेकिन हम ऐसे दुर्भाग्य है, उनको तो कुछ दिया ही नहीं, बल्कि हमने मिट्टी गोबर से पत्ते भी हमने कपड़े फेंक करके मारे, बाबा जब कल आएंगे ना माफ़ी मांग करके जरूर कुछ सेवा करूँ। तो बाबा रोज गांव में आते, जब बाबा गांव में घुसे, इतने में दूर से माता जी बोले बाबा जी आज मेरे घर में भी आई हो, बोले आज इसको ऐसे क्या हो गया, रोज तो गाली देती थी, आज कह रहे घर में आई हो। जब घर में आए प्रणाम किया, प्यार दिया, उनका आश्रय देख रहे बैठाया, माफ़ी मांगी, बोले बाबा कल मैंने बड़ी गलती की, मेरे अपराध को दूर कर देना, और कुछ उसने भिक्षा दिया। इसलिए ऐसे ही पूर्व जन्म में अगर हम कभी गुरु वैष्णव का साधुओं का अगर हमने कभी सेवा किया तो इसका दर क्या होगा, इसका फल क्या, बोले इसका फल है जीवन में शुद्ध संतों का दर्शन मिलेगा, शुद्ध वैष्णव का दर्शन मिलेगा। हैं जब शुद्ध वैष्णव का दर्शन मिलेगा, बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी है, निज तत्व अवगत हर, तब उसको अपना तत्व पता चलता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, फिर हमारे सब पूर्व जो गए कहाँ, एक दिन भी हमें भी दुनिया छोड़ना, अगर ये दुनिया हमारा होता तो फिर हमें क्यों छोड़ना पड़ता है, क्यों इस संसार हमें छोड़ना पड़ रहा है। निज तत्व अवगत है, और निज तत्व जानिया संसार नाचाए के नवा भजिनु माया करे हाय हाय, बोले हाय रे हमने क्यों ये झूठे संसार में अपना जीवन को ऐसे क्यों गंवा दिया, अरे हाय हाय करने लग जाता है, हमने कितने जन्म इसे बर्बाद किया है, भगवान की भक्ति से विमुख होकर के फिर भगवान को प्रार्थना करता है, बोले प्रभु
अभी आपका चरण में हमें स्थान दो, अरे हम भगवान हमारी भक्ति प्रदान करो हैं। बोले वो कौन सौभाग्यवान व्यक्ति जिनको पूर्व पूर्व जन्म में बहुत सुकृति जिनकी एक कटे हुए हैं, उनको ही जीवन में साधु गुरु वैष्णव का दर्शन उसको प्राप्त होता है। फिर यहाँ प्रश्न होता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, भक्ति लता को, भक्ति को एक लता को साथ उदाहरण दिया, लेकिन लता का होगा जो बीज मिलेगा, बीज मिलेगा तभी तो लता होगी ना, है तो लता होगी नहीं, लेकिन ये मिलेगा कहाँ से? बोले गुरु कृष्ण प्रसाद में, बोले गुरु जी की कृपा से। बोले भैया हम तो गुरु जी से हरिनाम लिए, मंत्र लिए, फिर यहाँ पर कृष्ण का नाम फिर क्यों आया? गुरु कृष्ण कृपा से मिलता है। बोले भगवान हमें सही जगह पर भगवान ले जाए, क्योंकि हम इसको देख करके ऊपर से पहचान नहीं सकते हैं ये भक्ति करता कि नहीं। कभी कभी ऐसे दिखता है नहीं, ये तो बहुत बड़े साधु, बड़ा नाम जगत में, बड़े मोटे छोटे लंबे चौड़े, लेकिन लास्ट में देखता है जाकर जेल में बैठे हुए, जेल में बैठे हुए जाकर ऐसे उल्टा पुल्टा काम किए, लास्ट में जाकर जेल में बंद हो गए हैं। इसलिए जो स्वयं जेल में बंद हो गए, फिर संसार भी जेल से हमें मुक्त कैसे करवाएगा, हमें कैसे करवाएगा? इसलिए प्रश्न है, अरे हमें शुद्ध जगह पर हमें कौन ले जाएगा? अरे भगवान ले जाएगा, वो उनको पता है। लेकिन भगवान हमें ले जाएंगे कब? तब भी ले जाएंगे अगर तुम्हारी निष्कपट हृदय से अगर भगवान को पुकारोगे, अगर तुम्हारी पूर्व पूर्व जन्म में तुम्हारी शुद्ध हैं, अगर तुम्हारी सुकृति एक होएगी, फिर भगवान हमें क्या करेंगे? हमें पर सही जगह पर भगवान हमें ले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जब भगवान ले जाएंगे, फिर भक्ति लता बीज हमें प्राप्त होगा, फिर भगवान भक्ति करेंगे और करते 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 सीधा भगवान के पास में, बात ठाकुर के पास में चले जाएंगे, फिर तो दुनिया की जन्म मृत्यु का चक्कर हमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर कल इसको आगे किया हुआ है, फिर कल इसको आगे हम कल आगे सुनेंगे। ठीक है, पंचाकृत दुर्भ्य कृपा सिंधु बच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे